السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين المعزز حاضر إكرام باب العلم انواريا اكدكيشنال سوسايتي تحت चलने اداره جامع انواريا कि के ज़ेतमाम तबसरे मदहरी के सिलसिलेवार रिकॉर्डिंग चल रही है आइए आज सर बकरा की आयत नंबर छहत्तर का तर्जुमा और तबसर समात फरमाते हैं बिसमी और जब मिलते हैं ईमान वालों से तो कहते हैं हम भी ईमान लाए हैं और जब तनह मिलते हैं तो एक दूसरे से तो कहते हैं अरे क्या बयान करते हो उनसे जो खुला है जो खोला है अल्लाह ने तुम पर यूँ तो वो दलील क़ायम करेंगे तुम पर उन बातों से तुम्हारे रब के सामने क्या तुम इतना भी नहीं समझते यह तक्रीमा का तर्जुमा हुआ अब आइए ज़रा इसका मफहम और मुरादी तर्जुमा लेकर आगे तफसर की तरफ तोज् करेंगे वहीदा लकीन अमनु कलु आमन्ना और जब वो मुलाकात करते हैं ईमान वालों से तो कहते हैं आमन्ना हम ईमान लाए हमने ईमान कबूल किया हम भी मुसलमान हैं वहीद ख़ला बदमिला बादिन और जब वो तनह होते हैं अलीहदा होते हैं एक दूसरे के साथ नहीं ये मुनाफिकीन के बारे में हो रहा है अभी ये यहूद में से जो मुनाफिक थे वो या कुफ़ार में से जो मुनाफिक थे वो तो उनके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है क्योंकि ज़्यादा तो मुनासिबत मालूम होती है ऊपर से जो ताल्लुक़ चल रहा है वो यहूदियों का जिक्र चल रहा है बनी इसराइल का जिक्र चल रहा है जो हदूर के पूरे सिफात जानते पहचानते थे लेकिन उनके ने हजूर के सिफात को छुपा दिया था और उनमें से जो जानने वाले हैं बूझने वाले हैं वो ईमान लाने का ढोंग रचा कर ईमान वालों को और हदूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दिया करते थे और मुसलमानों के राज मालूम करके जाके अपने सरदारों से बयान किया करते थे तो उस चीज़ को अल्लाह इरशाद फरमा रहा है वहीदा अल्कुलदीन अमनु अमन्ना और याद करो जब वो मिलते थे ईमान वालों से तो कहते हैं कि अमन्ना हम ईमान लाए वहीदाखला दाखला मिलाब आदिन और जब वह तनहा होते हैंदा होते हैं अपने बाजब बाज़ के साथ वो जब मुनाफिक मुनाफिकन जमा होते या वो अपने आकाओं के पास जाते तो कॉलू अतोहदी थूँ ना हम बीमा फ़त तो वो कहते तोहदूँ ना हम क्या तुम उन मोमिनों से वो चीज़ कहते हो बीमा फ़तकुम जो कुछ कि अल्लाह ताला ने तुम पर खोल दिया है लियो हाथ जो कुम भी है इन दब ताकि वो दलील क़ायम करे ताकि वो तुम पर हजत बनाए उस चीज़ के ज़रिए तुम्हारे रब के पास यानी वो चीज़ बयान क्यों करते हो ये जो ये लोग जो हदूर पाक सल वसलम के अवाफ़ हमीदा और आपके खलिया मुबारका आपकी बशारतें आपके आने की आमद की खुशखबरियाँ ये सारी चीज़ें जो अल्लाह ताला ने तवरत में बयान फरमा दिया था और उनमें से कुछ लोग बयान करते थे तो ये लोग जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने तुम पर जो खोल दिया है तुमको जो बहता दिया है वो चीज़ तुम उन लोगों को क्यों बयान करते हो तो कहीं ऐसा ना हो कि कल के दिन ये खुदा की बारगाह में कल यही तुम्हारे लिए हजत और दलील बनेगी कि तुमको जब ये पता था कि ये नबी आखिर जमा है तो फिर तुम इन पर ईमान क्यों नहीं लाए तो ये तुम्हारे ही ख़िलाफ़ तुम्हारे रब की बारगाह में हजत और दलील क़ायम करेंगे इस चीज़ को अफला तर क्या तुम नहीं समझते क्या तुम्हें समझ नहीं है भाई सात करीमा की तफसीर मुलादा फरमाते यानी यहूद जो लोगों को नेकी का हुक्म देते थे और अपने आप को भूले हुए थे इससे पहले भी उनका दिकर गुज़र चुका है साहिब तफसीर फरमाने के ऊपर भी इनका दिकर गुज़र चुका है उनके पोपारे के पास इनका इस बारे में वाज तौर पर आयतें आई है وتنسون أنفسكم ملكي. لوگوں لوغونكو ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. وإيا يفتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون. أتأمرون الناس بالبر. كَتُمْ لوغونكو وتنسون أنفسكم. और तुम अपने आप को भुला देते हो और तुम तत्नून किताब हालांकि तुम किताब पढ़ते हो तौरात पढ़ते हो वन तुम तमाम हालांकि तुम जानते हो यह सच है यह बरहक है अल्लाह की तरफ़ से है लेकिन फिर भी तुम उसको झुठला देते हो भुला देते हो अपने आप को उस पर ईमान नहीं लाते वो चीज़ें जो बयान की गई है और वह नबी जमा की जो सिफ़ात उसमें बयान किए गए हैं सिफात की वजह से उन पर ईमान नहीं लाते तो ये जब लोग आकर पूछते थे तो उनको ये बताते थे लेकिन ख़ुद हदूर पाक अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते थे तो इसीलिए फ़रमा रहे हैं इसलिए कहा जा रहा है जो यानी यहूद जो लोगों को नेकी का हुक्म देते थे और अपने आप को भूले हुए थे आगे की तफसीर फरमा रहे हैं यानी जब वो ईमान वाले से मिलते तो कहते थे इससे मुराद अहल मदीना हैं जब उन्होंने यहूद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतबा का मशवरा दिया तो वह कहने लगे हम तो दिलो जान से तजी करते हैं कि तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो है जिसकी तौरात में ये बशारत दी गई है कि उसकी इतबा करो और उस पर ईमान लाओ यानी ईमान लाने वालों से मुराद कौन है जब ये लोग ये मुनाफिक ये यहूद जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाएँ तब ये ईमान लाने वालों से मुराद कौन है तो साहब तफसीर फरमाए इससे मुराद अहल मदीना है जब उन्होंने नबी जब उन्होंने यहूद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतबा का मशवरा दिया था जब यानी इन हजरात ने इन अहिल ईमान ने यहूद को नबी करीम अलैहि वसल्लम की इतबा का मशवरा दिया तो वो कहने लगे कि हम तो दिलोजान से तस्दीक करते हैं कि तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं जिसकी तौरात में ये बशारत दी गई है कि उसकी इतवा करो और उस पर ईमान लाओ हज़रत अपने अब्बास रदी अल्लाह तरमते हैं उनसे मुराद यहूद में से मुनाफिकीन है यहूियों में से जो मुनाफी है वो मुराद है जब वो मोमिन से मिलते तो कहते हैं कि हम ईमान लाएँ जैसा तुम ईमान लाए हो उससे मुराद ये मुनाफिकीन हैं जो जब ममिन से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाएँ और जब वो तन्हाई में जाते हैं तो अब उसकी तफसीर फरमा रहे हैं जब एक दूसरे के साथ जमा होते हैं तो वो क्या करते हैं और जब काबिन अशरफ बिन, बिन यहूद और दूसरे रुआसा रुआसा यहूद से मिलते हैं तो वो उन्हें उन्हें मलामत करते हैं और कहते हैं कि क्या तुम बयान करते हो मुसलमानों से वो जो अल्लाह ताला ने तुम्हें इल्म किया है और जो कुछ उसने तौरात में बयान फरमाया है, भी है इंद अब इसकी तफसीर फ़रमा रहे हैं वो क़ियामत के रोज़ उसके ज़रिए तुम्हारे रब की बारगाह में तुम पर हुज्जत क़ायम करेंगे कि ये लोग वसल्लम की सच्चाई को जानते थे और हमें इस सईद आलम वसल्लम की पैरवी की तलकीन भी करते थे लेकिन ख़ुद अलानिया या सिर्रन उस अदात करीमा का इनकार करते थे इमाम बैदावी रहमे ने इस बयान की तरफ़ इशारा करते हुए लिखा है कि ये यहाँ पर ये तफसीर को इमाम तफ़ी इमाम बैदावी रम्त फरमाने के फ़ी ही नज़र उन इसमें नज़र है इसमें ग़ौर करने की ज़रूरत है ये तफसीर मुनासिब नहीं है उनके पास क्या फरमा रहे हैं बाद ने लिखा है कि वह क़ियामत के दिन तुम्हारे रब के हदूर झगड़ेंगे मगर इस कौल में नज़र है यानी इसमें ग़ौर वफ़िक्र करना चाहिए कि ये तफ़ीर यहाँ पर सूटबल नहीं है मुनासिब नहीं है क्योंकि इस घर साजिश को छुपाना अल्लाह त की बारगाह में कोई फ़ायदा मंद नहीं है क्योंकि ये जो साजिशें छुपा रहे हैं ये जो साजिशें कर रहे हैं छुप छुप कर ये क़ियामत के दिन अल्लाह ताला से कोई छु कोई चीज़ छुपी हुई है कियामत में ना दुनिया में कोई चीज़ अल्लाह ताला से इनकी साजिशें छुपी हुई नहीं है तो अब इसको क़ियामत के साथ मखसूस कर देना आ, ये मुनासिब नहीं मालूम होता है क्योंकि वो तो मिदाती सुदूर है वो दिलों के भेद को भी जानने वाला है साहिब तफसीर हज़रतजी पानीपति रम कहते हैं कि अगरचे ये अखवा और छुपाना फ़ायदे बख्श न था मगर उन्होंने ये अपनी इंतहाई हमाकत और नादानी की वजह से कहा था कि शायद छुपाने से बात छुप जाएगी तो साब तफसर फरमाएँ कि यही मुनासिब है बेहतर है ये तफ़ी क्यों इसलिए कि उन्होंने अपने में खीश यानी अपने गुमान में अपनी थिंकिंग में यह समझ रखा था कि हमारे छुपाने से ये बात छुप जाएगी तो इस एतबार से इखफा यानी छुपाना ये उनके जाम के अतबार से उनके गुमान के अतबार से उनके वहन के अतबार से यहाँ पर बयान किया गया जैसे कि अल्लाह उनका एक और कौल इज्जत की हिमाकत के बयान के लिए नकल फरमाया है कॉलु मान ज़ल अब शरीमिनशी वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने किसी बशर पर कुछ नहीं उतारा हालांकि वो भी जानते हैं कि अल्लाह ताला ने पैगंबरों पर वही उतारी तो क्या इनके ये छुपाने से बात छुप जाएगी नहीं हालांकि वो खुद दावा करते थे कि अल्लाह तारा मूल्लाम पर किताब नाजिल फ़रमाई और कहते ये हैं कि अल्लाह तारा ने किसी बशर पर कोई चीज़ नाजिल नहीं की जबकि उनका खुद का दावा है कि अल्लाह तार मौा सलाम पर तवरात नाजिल फ़रमाए हैं तो उनका मकसद ये है कि बात छुपाना हालांकि बात छुपने वाली नहीं है इससे पहले उन यहूदियों के उन यहूद के वाक़े में ऐसे अफ़ाल ववाल का जिक्र गुजर चुका है जो एक पागल आदमी से सरजद हो सकते हैं हालाँकि मुसलम के अनगिनत मुअजजात देख चुके थे इसी तरह बयान हो चुका है कि वो अबिब बारिश में फैलने वाले इंसानों की तरह मौत के डर मौत के डर से कड़क की वजह से अपने कानों में उंगलियां ठोसते हैं हालांकि कानों में उंगलियां ठोसना उन्हें कुछ भी फ़ायदा नहीं दे सकता था यानी कानों में उंगलियां ठोसने से वो मौत से बच नहीं बच सकते थे लेकिन फिर भी वो अपने जाम के मुताबिक अपने ख्याल के मुताबिक कि हम कानों में उंगलियाँ रखें तो हम मौत से बच जाएँगे जबकि ये कानों में उंगलियाँ रखना उनका उनको मौत से नहीं बचा सकता तो इसीलिए उनका कोई राज को छुपाना ये उनको यामत के दिन बचा नहीं सकेगा ये साजिशें करके ये घनाओं ने मंसूबे बनाकर उन चीज़ों को छुपाना और सरगोशियाँ करना मुसलमानों के सामने अपना ईमान जाहिर करना और जब आपस में मिल बैठे तो फिर वही साजिशें रचना और अपने साजिशों पर फख्र करना ये अल्लाह ताला से छुपने वाली चीज़ नहीं है हालांकि कानों में उंगलियां ठोंसना उन्हें कुछ भी फ़ायदा नहीं दे सकता तो ये सब कुछ वो हिमाकत और अपनी नादानी की वजह से करते थे साहिब तफसीर फरमा रहे हैं कि इसकी तायद के लिए ये आयत करीमा का आखिरी जुमला है अफला तकलून क्या वो तुम क्या तुम समझ भी नहीं रखते क्या तुम नहीं समझते ये तुम्हारा मुसलमानों के साथ ईमान वालों के सामने आकर कहना कि हम ईमान वाले हम ईमान लाए और जब वो उससे अला, उनसे अलाहदा हो जाए और अपने अपने लोगों में मिल जाए और अपने सरदारों के पास जाए तो कहते हैं कि हम तो उनसे मजाक कर रहे हैं और तुम उनको क्यों बयान करते हो वो चीज़ें जो अल्लाह ताला ने तुम पर खोल दी है इन हुजूर के सिफात तुम उनको क्यों बयान करते हो तुम उन चीज़ों को छुपा दो ताकि वो लोग भी ईमान ना लाए तो कोई चीज़ छुपाने से छुपती नहीं चाहे वो इनका ईमान हो चाहे वो उनके मनसूबे हों चाहे उनके साजिशें हों इसीलिए फरमाया अफलत अक्लून क्या तुम समझ नहीं रखते या ल्योहद जो कम ही आिंद रबिक से मुराद ये है कि अब महमद वसम तुम पर हजरत पकड़ेंगे इन आयात के साथ जो आयात अल्लाह तारा ने तुम पर नाजिल की हैं अल्लाह की किताब और अल्लाह के हुम के साथ हजरत पकड़ने को मजाजन आहंद रबी कुम अल्लाह की बारगाह में से ताबिर किया गया है आहद रबिकुम क्यों कहा गया अगर यहाँ पर तफसीर ये कर रहे हैं कि अशाब महमद यानी उम्मत महमदिया के लोग तुम्हारी खुद इन तौरात की बातों से तौरात में जो चीज़ें उन चीज़ों से तुम्हारे ख़िलाफ़ दलाइल पकड़ेंगे ये तो इससे तो पता चलता है तौरात से कि यह नबी आखिर है इनके पूरे सिफात तुम्हारी किताब में है तुम ये बयान क्यों करते हो तो इससे तो वो दलील पकड़ेंगे उम्म महम्मली के लोग तो यहाँ पर मजाजन आंद रबिक अल्लाह की बारगाह में यह कहकर मजाजन किताबल्ला यानी अल्लाह की किताब के ज़रिए वो हजत पकड़ेंगे अल्लाह की अल्लाह की किताब के पास अल्लाह की बारगाह में साबिर फरमाए अल्लाह की किताब और अल्लाह के हकम के साथ हजत पकड़ना पकड़ने को मजाजन आंद रब यानी अल्लाह की किताब और अल्लाह के हकम को पढ़ने और पकड़ने को मजाजन आइंद और बिकमल्ला की बारगाह में हजरत पकड़ेगी यह ताबीर फरमाया गया है यानी इन अल्फाज से उसका इधार किया गया है जैसे कहा जाता है आंद अल्ला कदा अल्लाह के नज़दीक इस तरह हैं उसका मतलब ये होता है कि अल्लाह की किताब में इस तरह है या उसका हुकुम इस तरह है या यहाँ मुदाफ महदूफ़ हैं असल में आंद किताबी रब कम या आइंद रसूल रबिकुम था इमाम बैदावी ने इन ताविलत को पसंद फरमाया है और आयत को मुनाफि के कलाम पर महमूल किया है जो सराहतन खुदकफ्र करते थे लोगों को नेकी का हुक्म देते थे और अपने आप को भूले हुए थे यहूद की कलाम पर महमूल नहीं फरमाया ये मुनाफिक के कलाम पर महमूल फरमाया साहिब तफसीर कहते हैं कि ये तमाम ताविलत तकल्लुफा की वजह से काबिल एतराज़ हैं क्योंकि मोमिन का दुनिया में मुनाफिक से झगड़ना मुतवर ही नहीं हो सकता क्योंकि वाहिरन बड़े बरदार थे उनसे खसूमत सिर्फ़ और सिर्फ आखिरत में ही मुतवर हो सकती है बाद फरमाते हैं कि जब उन्होंने ममिनिन को बताया कि हमें फ़लां फलां, फलां करतूतों पर अल्लाह तारा ने आदाब दिया है तो बाद ने उन्हें कहा कि तुम क्यों इस आदाब का जिक्र करते हो जो अल्लाह ताला ने तुम पर नाजिल किया है ताकि वह तुम से तुम्हारे रब की बारगाह में अपने आप को मुअज्जज़ समझे फतेहा माना अनजला क़ुरान करीम में वारिद हुआ है जैसे इरशाद रब्बानी है फ़तहना बरक़ात मिन हमने उन पर आसमान से बरकतें नाजिल की ए नादान यहूदियों तुम इतना भी नहीं समझते कि मोमिन का तुम पर अल्लाह की बारगाह में हजत पकड़ना दुनिया में तुम्हारे बताने पर मौकूफ़ नहीं है या ये खिताब मोमिन को है कि उसका ताल्लुक आफत म के साथ है उस वक्त माना यह होगा कि मोमिनो तुम उनसे ईमान की तोक़् रखते हो हालांकि नाजरशुदा किताबों में तहरीफ भी करने से गुरेज नहीं करते तुम इतना भी नहीं समझते कि उनको दावत हक़ देना बेकार और बेसूद है या ये मलामत करने वालों की कलाम का हिस्सा है इस सूरत में माना यह होगा कि तुम मुसलमानों से अपने राज खुद ही इफ्शा करते हो तुम इतना भी अकल नहीं करते कि वो तुमसे झगड़ेंगे और हुज्जत क़ायम करेंगे यहाँ पर आयत करीमा की तफसीर मुकम्मल हुई आई अब आगे की आयत करीमा की तफ़ी मुलाद फ़रमाते हैं क्या वो ये नहीं जानते कि अल्लाह तानता है वो जो वो छुपाते हैं और जब वो ज़ाहिर करते हैं अल्लाह ताली करीमा में फरमा रहा है अवला अलमून क्या वो लोग नहीं जानते यानी ये यहूद ये मुनाफिक ये कुफ़ार क्या नहीं जानते कि अल्लाह ताली हर वो चीज़ को जानता है जो तुम छुपाते हो जो तुम जाहिर करते हो यानी कोई तुम्हारी तुम चीज़ जो छुपी हुई है या अलान या जाहिर है हर उस चीज़ को अल्लाह ताला जानता है कोई भी चीज़ अल्लाह ताला से छुपी हुई नहीं है भाई तफसीर तफसर फरमाते हैं क्या ये मलामत करने वाले जानते नहीं कि अल्लाह ताला जानता है वो जो छुपाते हैं और जो जाहिर करते हैं ये चाहे कितना ही छुपा ले कितना ही ज़ाहिर कर ले हर चीज़ को अल्लाह ताला जानता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात व कमालात को छुपाना उनसे एहतजाज को दूर नहीं करता यानी इन्होंने हुज़ूर पाक अलैहि वसल्लम के जो सिफात बयान किए गए तौरात में ये उनको छुपा देते थे तो ये उनका छुपाना उनको नहीं बचाएगा न दुनिया में न आखिरत में उनसे हजत पकड़ने को दूर नहीं करेगा ये भी हो सकता है कि आलमूना की ज़मीर का मर्ज़ा मुनाफ़िन हों निफाक को अगरचे उनके गुमान के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ममिन नहीं जानते थे मगर क्या वो ये नहीं जानते कि अल्लाह तो उनके निफाक से आगा है और उन्हें इस बदकरतूतों पर ज़रूर सज़ा देगा यह ज़मीर का मर्जा तमाम यहूद हैं। मतलब ये होगा कि तमाम क्या यहूद ये यह जानते नहीं कि अल्लाह ताला उनको भी जानता है और जो अपने कुफ्र को छुपाते हैं और उनको भी जानता है जो अलानिया कुफ्र करते हैं और जो कुफ्र छुपाते हैं, हैं उनको भी जानता है जो अलानिया कुफ्र करते हैं उनको भी जानता है और कमलात महमदिया और सिफ़ात अहमदिया का छुपाना आयत में आयात रब्बानी में तहरीफ करना और वह तमाम आमाल बद जो गदब इलाही का मूजब हैं जिन्हें वह अलानिया करते हैं या छुपा कर करते हैं तमाम को अल्लाह ताला खूब जानता है बसमिल्लर उनमें से कुछ अनपढ़ हैं जो नहीं जानते किताब का बजस झूठी उम्मीदों के और वो तो महज़ वहम गुमान ही करते रहते हैं इसायत करीमा में अल्लाह तबारा इर्शाद फरमा रहा है अब ये तो इनके करतूत बयान किए गए ये सफ़ातें महमदिया को छुपाते हैं और जो लोग हजूर पाक सल्ला वसल्लम की सिफात बयान करते हैं उनको रोकते हैं कि तुम ये चीज़ें क्यों बयान कर दे रहे हो इन्हीं चीज़ों से वो हजत पकड़ेंगे दलील पकड़ेंगे तो ला तरमा क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह ताला हर वो चीज़ को जानता है जो छुपी हुई है और जाहिर है उसके बाद अल्लाह ताला और एक ग्रोह इनका इन लोगों में कुछ ऐसे लोग भी हैं उनका जिक्र फ़रमा रहा है जो बिल्कुल नावाखिफ़ है अनपढ़ है जिनको कोई चीज़ का पता नहीं वो किताब का इल्म नहीं रखते तौरात का इल्म नहीं रखते सिवाय झूठी उम्मीदों के वो सिर्फ़ वहमो गुमान में ज़िंदगी गुजारते हैं उनमें से कुछ लोग वो हैं जो अनपढ़ हैं जो बिल्कुल जाहिल हैं, जो बिल्कुल नावाफ़ हैं, जो किताब को बिल्कुल नहीं जानते यानी तवरात का उन्हें कोई इलम नहीं है सिवाय इस चीज़ के उस झूठी उम्मीदें बांधे बैठे हैं झूठी उम्मीदें वो लगाए बैठे हैं रबलाल फरमाएँ इन वो तो सिर्फ़ वहम गुमान ही करते रहते हैं यानी वहमो गुमान में ही वो ज़िंदियाँ गुजारते हैं हक़ से और हकीक़त से उनको कोई सरोकार नहीं वो सिर्फ़ वहमी ख़िया और ख़ियाली पुलाव जिसको कहा जाता है ख़्याली पुलाव जिसको कहा जाता है वैसी ज़िंदगी में वो मसरूफ़ है आइए साद करीमा की तफ़ी मुलाहद करेंगे यानी उनमें से जाहल तौर उनमें से जाहिल तौरात को तो नहीं जानते सिवाय झूठी उम्मीदों के ये ससना मनक़ है अमामानी अमनियतन की जमा है हकीकत में उस आरज़ों को कहते हैं जिसे इंसान अपने दिल में सोचता है और ये मनग्यन से मुश्तक है और इससे मुराद वो झूठी उम्मीदें जो उनके ख़ुद घड़ते थे हजरत मुजाहिद और कदादा का यही कौल है हज़रत फर्रा ने हज़रत फर्रा ने भी यही कहा है कि अमानी से मुराद झूठी आर्जुएँ और मन घड़त उम्मीदें हैं हज़रत हज़रतमान गनी रजी अल्लाह तैन का कौल है आपका कौल भी इसी माना में मौजूद है मा तमन्नई तुम्दूँ जब से मैंने इस्लाम कबूल किया है कभी झूठ नहीं बोला अल्लाह अकबर या से मुराद वो बातें जो उन्होंने बगैर हजत व दलील दिल में सोच रखी थी यानी उनकी उम्मीदें आमानी से मुराद वो चीज़ें हैं जो बग़ैर किसी हजत व दलील के उन्होंने अपने अपने तौर पर उसको बना लिया था और सोच रख लिया था वो क्या है उसको भी जिक्र फरमा रहे हैं साहब तफसीर उन्होंने क्या उम्मीदें वाबस्ता कर रख ली थी झूठी उम्मीदें कि वो कहते थे लन लंतम सलन्ना और अग् मम कि हरगिज़ हरगिज आग हमें नहीं छोएगी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी आग हमें नहीं जलाएगी सिवाय चंद दिनों के चंद दिन हमें जलाएगी वो भी चालीस दिन जो हमने बछड़े की इबादत की बछड़े की पूजा की वो चालीस दिन तक हमें जलाएगी उसके बाद हमें आग नहीं जलाएगी इनके पास इस तल्लुक़ से ना कोई दलील थी ना इनके पास कोई अहद व पैमान था कि इन्हें सिर्फ चालीस दिन आदाब होगा उससे ज़्यादा नहीं होगा लेकिन इन्होंने ये उम्मीद बांध रखी और ये कहते थे कि हमें तो कुछ आदाब नहीं होगा सिवाय चंद दिन के वो कहते थे लुला जन्नत ला मनकानादा नसारा क्या कहते थे कि हरगिज हरगिज जन्नत में दाखिल नहीं होगा सिवाय यहूद और नसारा के यहूद कहते थे कि सिर्फ यहूदी दाखिल होंगे और नसारा कहते थे कि सिर्फ नसारा दाखिल होंगे दूसरा कोई और दाखिल नहीं होगा ये उनकी उम्मीदें थी ये झूठी उम्मीदें वाबस्ता थी उनसे कि जन्नत में यहूद नसारा के अलावा कोई नहीं जाएगा उनकी एक तमन्ना उनकी झूठी उम्मीद ये भी थी कि हमें सिर्फ चंद दिन जहन्नम की आग जलाएगी उससे ज्यादा नहीं हमें आग न छुएगी मगर चंद दिन हज़रत हसन और अबूलिया का यही कौर है ये माना है कि वो तौरात के सिर्फ़ अल्फाज जानते हैं मानी के समझने समझने में बिल्कुल कोरे हैं बिल्कुल बेवकूफ़ है कि मानी उनको समझ में नहीं आते जैसा कि इसी माना में अल्लाह ताला का इरशाद है इल्ला इदा तमन्ना अल्कशन उमन गति यानी जब वो बढ़ता जब वो पढ़ता है तो शैतान उसके पढ़ने में अपनी तरफ से इल्का करता है हज़रत इबिन अब सरदाल तो ने अमनीत उनका यही मायना बयान फरमाया है अबू ज़ैफर ने अमानी को पूरे कुरान में या की तीफ़ के साथ पढ़ा है जबकि दूसरे कुरान या की तशदीद के साथ पढ़ा है अमान मगर ये ऐसी कौम है जो फ़कत वहम गुमान ही करती है ये सिर्फ़ अंधे मुखलद हैं उनके पास अपना कोई नहीं है। तो हैदुलजलाल इनके अंधेपन को फ़रमा दिया अब उसके बाद अल्लाह आगे इरशाद फरमा रहा है फ़ाईलबी फ़वी वबील्हु मम बस हलाकत हो उनके लिए जो लिखते हैं किताब ख़ुद अपने हाथों से फिर कहते हैं ये नविता है अल्लाह की तरफ से ताकि हासिल करें उसके एवज थोड़े दाम सो हलाकत हो उनके लिए बवजे उसके जो लिखा उनके हाथों ने और हलाक और हलाकत हो उनके लिए बवजे इस्माल के जो वो यूं कमाते हैं अल्लाह तबारा आयत करीमा में सुर बकर की आयत नंबर में उनकी तहरीफ करने के अमल को और तहरीफ करदा चीज़ों से उनकी कमाने को माल और दौलत हासिल करने को यहाँ पर बयान फरमा रहा है और उनके लिए हलाकत और जिक्र फ़रमा रहा है फ़अलि ने एक किताब अब यही दी हलाकत तबाही उन लोगों के लिए जो किताब लिखते हैं अपने हाथों से इन तौरत में जो अल्लाह की तरफ से अहकाम थे उसको बदल देते और अपनी तरफ़ से दूसरे अहकाम उसमें लिख दिया करते थे फम्मा मिन आन दिल्ली यशतरुब ही समनकलीला फिर वो क्या कहते कि हाजा मन आन दिल्ल यह अहकाम तो अल्लाह ताला की तरफ से है वो ऐसा क्यों करते थे लियशतरुब बिही समनन कलीला ताकि उन बताए उन अपने हाथों से लिखे हुए अहकाम के ज़रिए कुछ पैसे कुछ कमाई हासिल कर ले सकें उसके ज़रिए थोड़ी सी हकीर रक़म जमा कर ले सकें फवीलुमा कब आदी हिम हलाकत है उन लोगों के लिए जो कुछ उनके हाथों ने लिखा है ववील्हु ममा एकबोल और हलाकत है उन लोगों के लिए जो कुछ उस लिखी हुई कमाई उसके ज़रिए उन्होंने कमाया है उन लोगों के लिए हलाकत है तबाही है कि जो कुछ लिखा और लिखने के बाद उसको बेच कर पैसे हासिल करें जो कुछ उससे कमाया उसके लिए तबाही और हलाकत है उन लोगों के लिए अब आ इसमा की तफसर समात फरमाते हैं जजाज फरमाते हैं वैलुन का लफ्ज़ हर हलाकत व तबाही के गढ़े में गिरने वाला कहता है हजरत इबन अब्बास रदी अल्लाह तारुमा फरमाते हैं उसका मतलब आदाब की शद्दत और सख्ती है सीद इबन मसीब रदी अल्लाह उ तौर फरमाते हैं ये जहन्म की वादी का नाम है यानी बैलुन एक जहन्म की वादी का नाम है अगर इसमें पहाड़ भी डाले जाए तो वो भी उसकी गर्मी और शिद्दत से पिघल कर रेज़ा रेजा हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। अल्ला। कि बैलन जहन्नम के एक वादी का नाम है उसमें अगर पहाड़ भी डाले डाले जाएँ तो वह पिघल कर रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। ऐसी वादी का नाम है जहन्नम के इमाम बघदी रहमत अपनी सनत से हजरत अबू सैदुद्री रजी अल्लाह तवायत फ़रमाते हैं और वो हदूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं फरमाते हैं कि हदूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैलन जहन्नम की एक वादी है जिसमें काफ़िर उसकी गहराई तक पहुंचने से पहले चालीस बरस तक गिरते रहेंगे वैर उन जहन्नम की एक वादी का नाम है गढ़ा है जिसकी गहराई इतना ज़्यादा है कि उसमें काफ़िरों को डाला जाएगा तो चालीस साल तक वो मुसलसल गिरते रहेंगे उसमें हजूर अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काफिर चालीस साल तक उस जहन्नम की वादी में उस गढ़े में मुसलसल गिरते रहेंगे अल्लाहु अकबर सऊद जहन्नम के एक पहाड़ का नाम है जिस पर काफिर सत्तर बरस चढ़ते जाएगा फिर उसी मुद्दत में नीचे आएगा अल्लाहु अकबर ये सज़ा उनके लिए है जो ख़ुद मुहर्रफ शुदा तहरीर करते हैं ये सज़ा फरमा रहे हैं उनके लिए है जो महर्रब शुदा यानी जो तहरीफ कर दिए उनके उस तहरीफ को बाद में फिर लिखते हैं यानी जो तब्दीलियाँ जो चेंजेस ला लिए उसको लिखते हैं उनके लिए है ये और जो हकीकत में जिन्होंने किया उनके लिए तो और सख्तरीन है अदी इम के अल्फाज ताक़द के लिए हैं क्योंकि लिखा तो जाता ही हाथ से है जैसे कोई अरबी कहता है कतब तो मैंने अपने दाएँ हाथ से लिखा यानी यहाँ पर यह जो एदी हम फ़ाइल उल्लाम कतबी इम फ़ाइलरी ने एक तबी हिम हाथों का जिक्र किया है क्योंकि लिखा तो हाथों से ही जाता है तो यहाँ पर यह तकीद के लिए लफ्ज़ अदी का जिक्र किया गया है वो आयात में तब्दीली इसलिए करते ताकि उसके बदले दुनिया का मालो मतः ख़रीदें दुनिया के सी एम वर यानी मालो मता पैसे मालो दौलत को कलील कहा गया है क्योंकि वो जितना भी ज़्यादा हो वह आदाब उसकी नस्बत वो आदाब की नस्बत बहुत कलील है जिसके मस्तहक हो चुके हैं यानी वो लिख कर जो पैसे कमा रहे हैं वो लिख कर जो पैसे कमा रहे हैं वो रकम वो रुपये पैसे और इस लिखने की वजह से इस तहरीफ और चेंजेस की वजह से तब्दीली की वजह से उनको जो क़ियामत में अजाब होगा उस अजाब के बदले में ये दुनिया का जो मालो मत है ये बिल्कुल हकीर है कम है बिल्कुल कम है ये कितना ही मालो दौलत क्यों ना कमाल है उस लिखे हुए तहरीफ शुदा कलाम से उसके अदाब से अगर इन पैसों को कम्पेयर किया जाए इस दुनिया की दौलत को कम्पेयर किया जाए तो वह अदाब इनकी दौलत से कई गुना ज़्यादा होगा इसलिए अल्लाह ताला फरमान लश्तरुबी ही समन कदीला वो लिख रहे हैं इसलिए तहरीफ इसलिए कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा कमाए थोड़ा सा पैसा कमाए उसके ज़रिए तो इसको थोड़ा सा क्यों कहा गया इससे लाखों करोड़ों अरबों खरबों दौलत भी कमा ले वादी का वादी सोना भी कमा ले तब भी आखिरत में जो उनके लिए आज़ाब है वो आजाब से ये इनकी दौलत उनको बचा नहीं सकती ये वाक़ा इस तरह है कि जब हदूर नबी वसल्लम ने एलान नबूत फरमाया तो यहूद यहूदा को अपनी आमदनी और रिश्वतों पर ज़द पड़ती नज़र आई यानी अब हजूर पर अगर ईमान ला लेंगे तो फिर यहूद जो उनमा की जो क़दर करते थे वो कदर नहीं करेंगे सारे के सारे हजूर के पास जाएंगे और उनके पास कोई नजराने नहीं आएँगे अल्लाह अकबर इसलिए उन्होंने हजू पाक सल्ला व्म के बारे में जो जो चीज़ें तवरत में मौजूद थी उसमें तब्दीली शुरू कर दी अहकाम को बदल दिया हुजूर के सिफ़ात को छुपा दिए वहाँ पर कोई और दूसरी चीज़ें ऐड कर दिया अल्ला अकबर तो अपनी आमदनी और रिश्वतों को बचाने के लिए इन्होंने हक़ाक़ को छुपा दिया तो इसके लिए भी बड़ी सख्त वाइद अल्लाह ताला ने इसमा में बयान फरमाई कि उनके लिए हलाकत तबाही है और वो वैल उन जहन्नम की एक वादी का नाम है जिसमें काफ़िर चालीस बरस तक गिरते रहेंगे ऐसी चीज़ें उन लोगों के लिए जिन्होंने हकीक़त को बदल कर वहाँ पर अफसाने या कोई और चीज़ें वहाँ पर घड़ दिया है लगा दिया है ऐड कर दिया है तो उन्होंने तवरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफात को देखा तो वहाँ आपलील्हम की ये सफात थी आपल्ला व्म की यह सफ़ा थी आपली वसलम की सूरत बहुत जमील है ये सिफात हदूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहाँ पर मौजूद थे हसीन जुल्फे हैं सुरमगी आँखें हैं क़द्दोकामत मतदिल है माना रवी मतदिल मिडिल न बिल्कुल तवीलत न बिल्कुल पस्त कद बल्कि दरमियाना कद हैं उन्होंने इन सिफात को अपने हाथों से बदल दिया और ये लिख दिया कि वह नबी लम्बे है लम्बे कद के हैं नाऊदबिल्ला और नीली आँखों वाले हैं और जब अनपढ़ जाहिल यहूद उनसे पूछते कि तौरात में आने वाले नबी के क्या सिफात लिखी हुई है अल्लाह अकबर तो वो तब्दील शुदा सिफात पढ़ देते कि वो नबी आने वाले नबी ऐसे वो लंबे हैं, उनकी आँखें नीली है वो दराज कद है तो अब क्योंकि हुजूर पाक अलैहि वसल्लम तो लंबे नहीं थे आपकी आंखें नीली नहीं थी तो जब वो सुनते कि ये तो अब जो हमारे लिए जो तौरात में जो बयान किया गया नबे आखिर जमा की ये स, ये ये सफा है उन पर ईमान लाना है तब तो वदूर पाक सल्लाम को वह नबी नहीं मानते उस लिए वदूर पाक सल्लाम पर ईमान भी नहीं लाते थे और ये इस तरीके से उनसे से खुश इनके यहू के लामा से खुश होकर उनको तहफ़े तो तहफ़ और हदय नजराने पेश करते थे अल्लाह अकबर व अपने नजराने बचाने के लिए हदूर के सिफात को जो तौरात में अल्लाह ने नाजिल फ़रमाया था उसको तब्दील कर दिया बदल दिया।, बदल दिया वो जब हदूर सल्ला व्लम में वो सिफ़ात न देखते तो इनकार कर देते थे हदूर पाक सल्ला वल्म पर ईमान नहीं लाते थे हदूर सल्हसम की नबूत का वो इनकार कर देते थे तो ये रिश्वत सतानी और इस तरीक़े से रिश्वत लेना और मामूली सी चीज़ों के लिए मालौलत के लिए हकायक को तब्दील कर देना इसके बारे में अल्लाह ताला ने यहाँ पर बहुत सख्त तीन वीदें यहाँ पर नाजिल फरमाया है कि बैलुन उनके लिए वैलुन उनके लिए हलाकत है तबाही है एक नहीं दो नहीं तीन तीन दफ़ा इनके लिए इस आयत करीमा में वैल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वैल के मुफ्स कराम ने मख्तल तफासिर की है वैलुन एक जहन्नम की वादी का नाम है वैलुन एक जहन्नम की वादी का नाम है जिसके बारे में हुदूर ने फरमाया कि जब काफिरों को उसमें डाला जाएगा तो मुसलसल चालीस साल तक वो गिरते रहेंगे गिरते रहेंगे गिरते रहेंगे कि चालीस साल के बाद जाके वो उस गड़े की तह को उस दह उस गढ़े की सतह को पहुँचेंगे अल्लाह व तआला से दुआ है कि व तआला हमें हकायक को छुपाने से हमारी हिफाजत फरमाए हकायक को ज़ाहिर करने وحقيقه برعمل كرنيكي توفيقا تافرماي وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين